नमस्कार दोस्तों, करियर डेस्ट एकेडमी के एमपी करंट अफेयर्स के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम देखेंगे 26 से 29 जुलाई 2020 तक के मध्य प्रदेश समसामयिकी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो मध्य प्रदेश की आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदाय योजना पुनः प्रारंभ की जा रही है, इसके अंतर्गत लैपटॉप किराए के लिए कितनी राशि दी जाएगी? इसके लिए लैपटॉप क्रय के लिए जो राशि दी जाएगी वो 25,000 रुपये दी जाएगी। शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए भी माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित 12वीं की मुख्य परीक्षा में उत्कृष्टता प्रदर्शित करने वाले विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना का लाभ नियमित एवं स्वाध्यायी दोनों प्रकार के विद्यार्थियों को दिया जाएगा। किस जिले के भांडेर में 105 हेक्टेयर में सोलर प्लांट स्थापित होगा? ये कौन सा जिला है? ये दतिया जिला है, जो कि दतिया जिले के अंतर्गत आता है। भांडेर ये तहसील है। भांडेर क्षेत्र में करीब लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होगा सोलर प्लांट। सोलर प्लांट करीब 105 हेक्टेयर में स्थापित होगा और इस प्लांट से करीब 90 से 100 मेगावाट का बिजली उत्पादन होगा। इसकी स्थापना SR कंपनी द्वारा की जा रही है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ई ऑफिस प्रणाली अपनाने वाली देश की कौन सी विद्युत कंपनी बनी है? ये मध्य क्षेत्र की विद्युत वितरण कंपनी है, ई ऑफिस प्रणाली अपनाने वाली पहली कंपनी बनी है, पहली विद्युत कंपनी बनी है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल देश की पहली बिजली वितरण कंपनी बन गई है, जिसमें पूरे कंपनी कार्य क्षेत्र के कॉर्पोरेट से लेकर मैदानी दफ्तरों ने ई ऑफिस प्रणाली से काम करना शुरू कर दिया है। 27 जुलाई 2020 से NIC ई ऑफिस प्रणाली के माध्यम से ई फाइल एवं पत्राचार प्रारंभ हुआ। हमारे मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं। मध्य प्रदेश में हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम कौन सी थीम पर संचालित किया जा रहा है? ये हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम कौन सी थीम पर संचालित किया जा रहा है? अब पढ़ाई नहीं रुकेगी, अब पढ़ाई नहीं रुकेगी थीम पर संचालित किया जा रहा है। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी थीम पर हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, जिसमें रेडियो, मोबाइल, TV, फेसबुक के माध्यम से कक्षाओं एवं गतिविधियों का संचालन हो रहा है। मध्य प्रदेश में मास्क लगाने के लिए जागरूकता अभियान कब से कब तक चलाया जाएगा? मध्य प्रदेश में मास्क लगाने के लिए जागरूकता अभियान ये 1 अगस्त से 15 अगस्त 2020 तक चलाया जाएगा। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, उन्होंने यह घोषणा की है। मध्य प्रदेश में स्नातक अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं किस प्रणाली से आयोजित होंगी? मध्य प्रदेश में स्नातक अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं ओपन बुक प्रणाली से संचालित होंगी। हम देखेंगे आगे ओपन बुक प्रणाली क्या होती है। स्नातक प्रथम द्वितीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों को गत वर्ष के परीक्षा परिणाम तथा वर्तमान सत्र के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर आगामी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, जबकि स्नातक अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर यानी PG और UG छात्र छात्राओं के लिए कोरोना के संक्रमण से बचाव एवं शारीरिक दूरी को ध्यान में रखते हुए उनकी परीक्षाएं निवास में ही रहकर ओपन बुक प्रणाली से करवाई जाएंगी। तो ये निवास पर रहकर ही परीक्षाएं दिलवाई जाएंगी, उसे ओपन बुक प्रणाली कहा जाएगा। मध्य प्रदेश कैबिनेट द्वारा देश की पहली वर्चुअल कैबिनेट की बैठक कब आयोजित हुई? ये मध्य प्रदेश कैबिनेट द्वारा मध्य प्रदेश मंत्री परिषद द्वारा 28 जुलाई 2020 को देश की पहली वर्चुअल कैबिनेट की बैठक आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में देश की पहली वर्चुअल कैबिनेट की बैठक 28 जुलाई 2020 को बैठक हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रियों ने विभिन्न स्थानों से भागीदारी की। मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर चंबल प्रोग्रेसवे करने का निर्णय कब लिया गया है? तो ये जो अभी हाल ही में बैठक हुई है, जो कि वर्चुअल मीटिंग बैठक हुई है 28 जुलाई 2020 को, इसमें चंबल एक्सप्रेस का नाम बदलकर चंबल प्रोग्रेस वे कर दिया गया है। भारत माला परियोजना के अंतर्गत चंबल प्रोग्रेस वे के निर्माण की स्वीकृति 28 जुलाई 2020 को भी दी गई है कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने। योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा से मुरैना होते हुए भिंड जिले के 309 किलोमीटर की 4-लेन ग्रीन फील्ड सड़क के निर्माण को अनुमोदन प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना अंतर्गत कितने ग्रामीण गरीबों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 1,00,000 गरीबों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना को अनुसमर्थन प्रदान किया है।
योजना के तहत 18 से 55 वर्ष की आयु वर्ग के पात्र व्यक्तियों को व्यवसाय के लिए 10,000 रुपए तक की कार्यशील पूंजी बैंक से ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। जुलाई 2020 से मार्च 2022 तक लागू होने वाली इस योजना में 1,00,000 ग्रामीण गरीबों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना से लगभग 14 करोड़ रुपए की वार्षिक वित्तीय भार आएगा। कोविड का इलाज कराने पर निर्धारित पैकेज के मान से आयुष्मान भारत निरामय मध्य प्रदेश द्वारा कितने प्रतिशत व्यय भार राज्य वहन करेगा? तो कोविड का इलाज कराने पर निर्धारित पैकेज के मान से आयुष्मान भारत निरामय मध्य प्रदेश द्वारा ये 60 प्रतिशत जो है दोस्तों, सॉरी 40% है, ये गलती से इसका हो गया है, इसका डी ऑप्शन आपका सही होगा, ये सॉरी 40% मंत्री परिषद ने 28 जुलाई 2020 को कोविड संक्रमित व्यक्तियों के इलाज की व्यवस्था का अनुसमर्थन किया है, जिसमें जन आरोग्य योजना के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में कोविड का इलाज कराने पर निर्धारित पैकेज के मान से आयुष्मान भारत निरामय मध्य प्रदेश द्वारा 40% व्यय भार राज्य द्वारा वहन किया जाएगा और 60% आपका केंद्र सरकार द्वारा जो है वो वहन किया जाएगा। 28 जुलाई 2020 को मंत्री परिषद में कैंपा निधि के अंतर्गत वार्षिक प्रबंधन स्कीम के तहत वर्ष 2020-21 के कार्य योजना के लिए कितने रुपए के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है? ये कैंपा निधि जो है वो वन विभाग के अंतर्गत काम होते हैं उसके लिए है। 833,54,00,000 रुपए का जो है वो प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। ये इसमें हम देखते हैं कैंपा राशि से क्या होगा। कैंपा राशि से वन क्षेत्र में विगत वर्षों के कार्यों के रखरखाव, बफर क्षेत्र में रहवास का विकास, बिगड़े वनों का सुधार, नदियों का पुनर्जीवन, जल संरक्षण के कार्य, गांव की सीमा वन क्षेत्रों में बांस का रोपण, वन प्राणी संरक्षित क्षेत्रों में ग्रामों का सुरक्षित विस्थापन, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, नगर वनों की स्थापना तथा अधोसंरक्षा सुदृढ़ीकरण संबंधी कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित की गई है। इससे वृक्षारोपण भी होता है और प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के क्रियान्वयन के प्रत्येक चरण में देश में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के क्रियान्वयन के प्रत्येक चरण में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। इसका सी ऑप्शन आपका सही होगा। पीएम स्वनिधि योजना के पोर्टल पर 18,533 यानी देश के 56% प्रकरणों की स्वीकृति मध्य प्रदेश के शीर्ष पर है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत के तहत 6 जून 2020 को मुख्यमंत्री शहरी असंगठित कामगार एकीकृत पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अब तक पोर्टल पर 8,70,330 पद विक्रेताओं का पंजीयन कराया जा चुका है। बात करेंगे हम इसके और डिटेल की। पद विक्रेताओं को ऋण वापसी के समय 7% ब्याज की राशि का भार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। राज्य शासन ने बैंकों से अनुमति के लिए स्टाम्प ड्यूटी मात्र 50 रुपए निर्धारित की है। खेल एवं युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई 2020 पर क्या संदेश दिया है? ये जो हमारी मध्य प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री हैं यशोधरा राजे, उन्होंने संदेश दिया है कि प्रकृति बचाओ भविष्य बचाओ। ये इन्होंने संदेश दिया है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई पर। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर राज्य स्तरीय आयोजन कहाँ आयोजित किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर राज्य स्तरीय आयोजन का जो आयोजन किया जाएगा वो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय आयोजन वन मंत्री कुंवर साय के मुख्य अतिथि में 29 जुलाई 2020 को वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में आयोजित होगा। प्रधान मुख्य वन संरक्षक राज श्रीवास्तव और प्रधान मुख्य संरक्षक वन प्राणी एस के मंडल यहाँ पे मौजूद रहेंगे। यानी आज ही के दिन 29 जुलाई 2020 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, वहाँ पे हमारे राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में यह आयोजन होगा, राज्य स्तरीय आयोजन होना है। कोरोना वायरस कोविड-19 मीडिया बुलेटिन की जानकारी देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये सार्थक लाइट ऐप लॉन्च किया गया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं विश्वास सारंग, उन्होंने कहा है कि सार्थक लाइट ऐप से अधिक लोगों को जोड़ें। यह ऐप कोरोना संक्रमण और नियंत्रण की मॉनिटरिंग में सहायक सिद्ध होगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे जो पिछले वीडियो में 16 से 25 जुलाई का वीडियो था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सुब्बा राव ने। इसका डी आंसर सही हो जाता है। और आज का जो आपका क्वेश्चन है कि 732 में मालवा में स्थापित हुई देवास बड़ी पांती राज्य किस वंश से संबंधित था? तो 732 दोस्तों ये
732 में मालवा में स्थापित हुई। देवास बड़ी पांती राज्य, होलकर वंश, जीवाजी वंश, तुकोजी वंश, आनंद राव पवार वंश, उनमें से एक आंसर सही है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। और दोस्तों हम आपको बता दें, जो अभी आपके एमपी करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड हुई हैं, उसकी एमसी को प्रैक्टिस करने के लिए आपको जल्दी लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। जिस प्रकार से आप टेस्ट पेपर देते हैं वो भी फ्री में, उसमें टाइम भी निर्धारित होगा, इस प्रकार की हमने ऐसी व्यवस्था की है दोस्तों। और जो पहले से हमारे careerdestacademy.com पर मिलते थे इस प्रकार से, वो तो मिलेंगे ही आपको, लेकिन हम किसी भी चीज़ को दोस्तों, चाहे आप हो चाहे हम हो, यदि आप लक्ष्य प्राप्त करना है तो आप उसकी कंटिन्यूटी बहुत आवश्यक होती है, तो हम कभी कभी डिसकंटिन्यूटी होते हैं, वो गलत होता है, और हम कोशिश करेंगे कि आपको लगातार सारा स्टडी मटेरियल आपको प्राप्त होता रहे। तो हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।